दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसी वक्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर हमारे बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगते हो तो आप दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज बहुत सारे भक्तों का यह प्रश्न था कि साहब प्रमोशन नहीं होता, कुछ भक्त ये बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिलती। तो आपको मैं बेहतर तरीके से बता दूं कि नौकरी देना और प्रमोशन देना दोनों ही काम शनिदेव का है। शनिदेव की अगर कृपा जिस पर बनी रहती है उसे आर्थिक संकट आ ही नहीं सकता, चाहे वो नौकरी संबंधी आर्थिक संकट हो या फिर प्रमोशन की जो लालसा लिए बैठे हुए हैं उनका प्रमोशन ना हो रहा हो, तो उन्हें शनि देव की शरण में जाना चाहिए। दर्शकों, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शनिवार को, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को शांत मेला में आपको ये उपाय करना है। आप आम का पत्ता लाएं, उसे बढ़िया से धोलें, लाल रेशमी सूत का व्यवस्था करें। लाल रेशमी सूत को अपनी लंबाई के बराबर नीचे पैर की अंगूठे से लेकर शीर के जो शीर्ष भाग होता है वहां तक की लंबाई लेकर एक लाल रेशमी धागा आप वहीं से कट कर दें, लगा दें और लंबाई के बराबर ये धागा लें। अब आम के पल्लों को भी धो लें, इस धागे को भी धो लें और धोने के बाद आप ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते करते आप उस आम के पल्लों पर इस धागे को लपेटें एकदम गोधूली बेला में, थोड़ा अंधेरा की तरफ हो दिन की तरफ नहीं, और उस पर लपेट कर आप उसी वक्त किसी बहते जल स्रोत पर जाएं और उस जल स्रोत पर आप अपनी मनोकामना बोलकर, चाहे वो प्रमोशन का मनोकामना हो या नौकरी पाने का मनोकामना हो, आप उसका जल प्रवाह कर दें। यह काम गोधूली बेला के बाद में करना है, गोधूली बेला से पहले नहीं करना है। गोधूली बेला से प्रारंभ करके आप बाद में करें। आप यह क्रिया लगातार 7 शनिवार करके देखें। आपको अगर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी में अपनी योग्यता के हिसाब से आपकी तनख्वाह नहीं है तो योग्यता के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी, और योग्यता के हिसाब से अगर पद नहीं मिला है तो आपका तुरंत प्रमोशन हो जाएगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव मजदूरों के देव हैं, और ये आप याद रखें कि मजदूरों का पैसा जो काटता है, मजदूरों को पैसा देने में जो हिचकता है, मजदूरों को परेशान जो करता है, उस पर शनिदेव का कोप होता है, और शनिदेव का जब कोप होता है तो उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। जब विक्रमादित्य शनि कोप से नहीं बचे तो हम आपकी क्या औकात है। इस बात को ध्यान रखते हुए इस छोटे से टोटके को करें। ना तो आम का पल्लो लाने से लेकर के धागा नापने से लेकर के जल प्रवाह तक कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं होना चाहिए। जब भी आप टोटके करें तो पीछे मुड़कर नहीं देखें, आप सीधे घर को आए, आकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद ही नित्य क्रिया करें। यह सब टोटके के नियम है। ये जिस टोटके में हमसे छूट जाए ये बताना, हर टोटके में आपको यह प्रयोग करना है। अंतिम टोटका करने के बाद वापस घर तक आने में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो टोटका निष्फल हो गया, बीच में आपको किसी ने टोका तो टोटका निष्फल हो गया, आपसे किसी को साथ ले गए तो टोटका निष्फल हो गया। आप इस टोटके को आजमाकर अपने पेशे में तरक्की करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टोटके उपाय के साथ।
तब तक के लिए जय जय बजरंगबली, जय जय श्री शनि देव, जय जय श्री शनि देव।